नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। निजामाबाद के मिर्ची कंपाउंड में वक्फ अराजी महबूब बाग बौली को कुछ असरार की जानिब से नाजायज कब्जा करने की कोशिश को मजलिस के फ्लोर लीडर शकील अहमद और मजलिसी कारपोरेटर की क़यादत में नाकाम बना दिया गया। ईदगाह कदीम के अकबी हिस्से में एक बौली जो पुरानी महबूब बाग बौली के नाम से जानी जाती है, जो कब्रिस्तान की दीवार से लगी हुई है, 34वें वार्ड के कॉरपोरेटर कम्युनिटी हॉल के नाम पर कब्जे में लेना चाहते थे, जिसका तामीरी काम शुरू हो रहा था, उसे नाकाम कर दिया गया। उसके बाद फ्लोर लीडर शकील अहमद और डिप्टी मेयर इदरीस खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कल ईदगाह कदीम किला रोड के मुतसिल महबूब बाग का एरिया जो वक्फ लैंड है उस पर गर्दुरी इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई, जिसमें जिस एरिया कॉरपोरेटर और वहाँ के मुकामी लोग दीवार बनाने की शक्ल में आए थे, उसी दिन उसी टाइम पर हमारे वहाँ के कुछ लोग जमात के जाकर रुकाए और उस दरमियान हमारे कॉरपोरेटर्स और डिप्टी मेयर भी वहाँ पर पहुँचे। हमारा यही मंशा है कि वक्फ लैंड है, वक्फ लैंड के तहत काम जो भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वक्फ लैंड से NOC लाना चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ पर डिप्टी मेयर के साथ साथ ही पूरे कॉरपोरेटर्स ने DRO साहब जो एडिशनल कलेक्टर हैं उनसे नुमाइंदगी की है कि ताकि वो ज़मीन जो वक्फ लैंड की है उसका तहफ़ किया जाए और जो दीवार उठाने की कोशिश की है उनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करें।